कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। आप हर वक्त मुझे क्यों कोसते रहते हैं? कम से कम मैंने कोशिश तो की। और ये इसने क्या किया है? कुछ किया इसने सिवाय मुफ्त की रोटियां तोड़ना? अबे ले, पहले मलबा मेरे सर पे डाल रहा था, भाई पे आ गया। अबे पता नहीं है क्या, सांस की बीमारी है बेचारे को, मुशक्कत नहीं कर सकता। अब आइडिया है मेरे पास, अगर आप लोग सुने तो पैसे भी आ जाएंगे और घर भी नहीं बेचना पड़ेगा। ऐसा क्या तरीका? आप मुमानी से कहें 20 लाख दे दें। उन्होंने बेटियों की शादी के लिए काफी ज्वेलरी इकट्ठी की हुई है और मामू का पैसा भी बैंक में पड़ा पड़ा डबल हो गया, प्राइस बॉन्ड्स भी काफी उनके पास। सलमान, वो हमारा ससुराल है, उनसे पैसे मांगते हुए हम अच्छे नहीं लगेंगे। घर बेचकर सड़क पे खड़े हुए हम लोग और भी अच्छे लगेंगे, क्या ख्याल है? इधर तुम किधर चली भाई? मैं चाय बना के ले आती हूँ। सर ना, हम बनवाते ना तुमसे चाय। फैसला हो गया, ये काम तुझे करना है। अम्मा के घर जा और पैसे ले। मुझसे नहीं होगा ये। ओ भाई कैसे नहीं होगा, लाडला किसका है? मेरा है। अबे इसको बचाना है ना तो उनको बोल पैसे दे दे। अब आप, मेरा नहीं ख्याल है कि उनके पास इतने पैसे हैं कि वो। ओ भाई ये देख, अपना ख्याल अपने पास रख, चुप खड़ा रहे भाई तू। उनको बोल बेटियों को ब्याह है ना, उसके लिए पैसा रखा है। हम ले आएंगे दोनों बेटियों को बगैर जैसे की अल्लाह की कसम, मसला ही कोई नहीं। जा भाई तू पैसे मांग ले। अबे निकल ना, सोच क्या रही है? देखा भाई, मेरे आइडिया ने कैसे चुटकी में मसला हल कर दिया। आज के बाद मुझे कामचोर और मुफ्त में रोटियां तोड़ने वाला मत बोलना, बता रहा। दिमाग के काम में ज्यादा मेहनत लगती है। इस शख्स ने मुझे सारी जिंदगी कोई सुख नहीं दिया। सुख तो दो, कभी इज्जत ही नहीं दी। यहां परेशान ना हो, मैं पैसों को बंदोबस्त कर लूंगा, कुछ भी करके इंतजाम कर लूंगा मैं। सलमान को भी बिल्कुल अपने जैसा कर लिया। बताओ भला ये कोई बात हुई? वहां अम्मा है, नुदरत है, दो जवान लड़कियां हैं, कमाने वाला कोई मर्द नहीं है, और इस घर में तीन तीन कमाने वाले मर्द हैं। इसके बावजूद मैं वहां जाके पैसे मांगू? मैं शर्म से डूब ना मरूं? मैं आपको कुछ नहीं ऐसा करना पड़ेगा, कुछ नहीं करेंगे आप ना जाएंगी ना उनसे बात करेंगे, परेशान भी मत हो। अगर मैंने अम्मा से बात ना की, तुम्हारे अब्बा को कोई जवाब ना दिया तो रात को तो फिर घर में गदर मचा हुआ होगा। मैं आप कंफ्यूज मत हो कि आपको नानी से बात करनी है कि नहीं। इस शख्स ने सारी जिंदगी मुझे इतनी अजियतें दी है कि ढंग से मेरे सोचने समझने की सलाहियतें खत्म हो गई हैं। आप कुछ नहीं करेंगे, ना आप नानी से बात करेंगे ना मामानी से, समझ गए आप? तो अपने अब्बा को तुम संभाल लोगे, निमट लोगे इनसे?
हाँ निमट लेता है। चाय। थैंक यू। चार दिन हो गए मायरा उस बात को। किस बात को? वो ही जब तुमने सलमान से वो सब बातें की थी और वो तुम्हें आइसक्रीम खिलाने लेकर गया था। तो क्या क्या बात हुई तुम्हारी उससे? उसने तुम्हें क्या कहा? अपने मुंह पे थप्पड़ मारो। ऐसे नहीं, जोर से मारो, जोर से, जोर से मारो। इस बारे में बात नहीं करनी मुझे। क्यों? मैं भी तो तुम्हें बताती हूँ ना सारी बातें जो मेरे और अरसलान के दरमियान में होती हैं। तुम इसलिए बताते हो क्योंकि तुम्हारे पास अच्छी बातें हैं बताने को, क्योंकि अरसलान भाई अच्छे हैं। और सलमान अच्छा नहीं है। जब भी मैं कुछ बताने की कोशिश करती हूँ सलमान के बारे में, उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हो तुम लोग। इससे वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान और सारी बुराइयां मुझ में। तुम इतने गुस्से में क्यों हो मायरा? क्यों ना करूं मैं गुस्सा? तुम और दादी कभी मुझसे मेरे बारे में कुछ पूछते हो? ऑफिस ज्वाइन किया मैंने, एक बार भी तुमने मुझसे पूछा कि मेरा पहला दिन कैसा गुजरा, मैं वहां करती क्या हूं? हजार किस्म की बातें बहने करती हैं ना। तुम ठीक कह रही हो मायरा, मैंने शायद ये रियलाइज ही नहीं किया। अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा ऑफिस कैसा है, तुम्हारा दिल लग गया वहां पर, और तुम्हारे कॉलीग्स कैसे हैं, और तुम्हारे ऑफिस में लड़के ज्यादा हैं लड़कियां? सलान का फोन है, मैं अभी आके तुमसे बात करती हूँ, ठीक है? कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ। मैं एक दोस्त के साथ जा रहा हूँ फाइनेंसियर के पास कर्ज दिलवाने के लिए। कर्ज सूद पे मिलेगा। सूद पर? लेकिन ये तो ठीक नहीं है अरसलान। हाँ तो और क्या करूँ, घर भी तो नहीं बेच सकता। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तुम बात भी तो ऐसी कर रही हो। मेरे पास कोई और ऑप्शन है तो बताओ। शकील पप्पा को पता है कि आप सूद पर कर्ज ले रहे हैं? नहीं मैंने नहीं बताया, और मैं किसी और को बताना भी नहीं चाहता। मुझे भी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं अपनी हर परेशानी हर खुशी की बात तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। बस तुम दुआ करो कि ये फाइनेंसियर कम से कम परसेंटेज पे लोन दे दे। मैं तो आपके लिए हर वक्त दुआ करती हूँ, आप देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आमीन। मैं बहुत परेशान हूँ निशान, मेरी वजह से घर वालों की जिंदगी दांव पे लग गई है। पछतावे का एहसास मुझे अंदर ही अंदर खाए चले जा रहा है। आप ऐसा मत सोचें, आपने जो कुछ भी किया वो सबकी बेहतरी के लिए किया, और अगर कारोबार नहीं चला तो उसमें अल्लाह की कोई मसलहत होगी। हाँ बस दुआ करो कि मुझे कामयाबी मिल जाए ना, हम सब सड़क पर आ जाएंगे। ऐसा मत कहें, मैं आपके लिए नफल पढ़कर आज खास तौर पर दुआ करूंगी, और आप देखिएगा इंशाल्लाह सब ठीक होगा। उससे बात करके दिल हल्का हो जाता है। I love you. सब चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? बीस लाख मिल जाएगा,
मगर वापस हम पूरा 25 लेगा और 6 महीने के अंदर वापस भी करना है। लाला भाई 20 का 25 तो ज्यादा हो जाएगा। पैसा ये ले रहे ना, वापस भी यही करेगा, तो इसको बात करने दो ना। अगर लाला 5 लाख का इजाफा कुछ ज्यादा नहीं है? यार तुम तो मुर्गी जैसा आदमी है, फिर ये सूद पर कर्ज क्यों ले रहे? मेरे को तो लगता है कि तुम ये भी वापस नहीं कर सकेगा। बेहतर ये है कि तुम जिस मुसीबत में से गुजर रहे ना, उसी से गुजरो। ठीक है, जाओ घर को जाओ। लाला मेरा तो घर बिकने पर आ रहा है, मुझे ये पैसा लाजमी चाहिए। घर अपना है? जी जी अपना है। अपने से मतलब के तुम्हारा नाम पर है? नहीं, वो वाले साहब के नाम पर है। तो आजकल का रेट में क्या वैल्यू है इसका? लाला होगा कुछ 1-20 तक का। वालिद साहब जिंदा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर तुम ऐसा करो कि घर का सारा कागजात ओरिजिनल मेरे को दे दो और पैसा ले लो। लाला घर वालों को बगैर बताए ले रहा है, इसीलिए तो आपके पास आया है। अच्छा ये बताओ कि वापस कैसे करेगा? लाला मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं 2-2 नौकरियां करूंगा, मैं लौटा दूंगा पैसा। यार तुम तो मुर्गी नहीं, बिल्कुल चूजा है चूजा। मेरे ख्याल में तुम घर जाओ। शाबाश, आराम का जरूरत है तेरे को। लाला लाला मेरी बात तो सुने, लाला मेरी बात तो सुन ले। मैं नाकाम हो गया। एक ही आसरा था, वो भी आसरा आखिर हम क्या करेंगे? नहीं पता बेटा, मैं तो मोहनुद्रा से पैसे भी मांग सकती। अब्बा अब्बा अबे सुन ले यार। माँ बेटे में खुफिया मीटिंग चल रही है, मोमानी से पैसे मांगने के बजाय कोई और जुगाड़ करने की कोशिश की, उसमें भी नाकाम हो गए। मेरी छोड़ो, तुम बाप बेटों की उनके सामने क्या इज्जत रह जाए? मैं तो नहीं ये हरगिज नहीं कर सकती, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। अबे ओ मालूम था मुझे मेरी बात की कोई अहमियत है नहीं, मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी होगी तूने। अरे ओ कुड़ मगज औरत, इसी ने तो सारे पैसे मिट्टी किए हैं, किधर से लाएगा भी एक ही रात में इतना पैसा? अजीब निराली औरत है भाई तू, अपना घर बचाने की बिल्कुल परवाह नहीं है। तुझे अगर फिक्र है तो बस इस बात की कि तेरी माँ के सामने, तेरी भाभी के सामने तेरी इज्जत का जनाजा ना निकले। अब अम्मी को कुछ ना कहे। अबे क्यों ना कहूं भाई, हैं गला घोड़ो ऊपर से मेरा। तुम लोग मेरे पास सुन, कल के कल अपनी माँ के घर जा, हम जाके पैसे मांग। नहीं नहीं मैं शकी, मैं नहीं उनसे पैसे मांगने जाऊंगी, वैसे भी उनके पास तो इतने पैसे होंगे ही नहीं। ये बात अच्छी थोड़ी है कि हम तकाजा करें, हमारी जरूरत भी पूरी ना हो और हम तकाजा करके हमारी बात भी छोटे हो जाएंगे। मैं नहीं। एक बात सुन, फिर ऐसा कर जाके उनको बोल के अपना मकान बेचे और किसी छोटे घर में चली जाए। उनके लड़कियों को ब्याह कर इधर ही आना है ना, पीछे कौन रह जाएगा? तेरी माँ और तेरी वो बेवा भाभी। अबे 2 कमरों के मकान में आराम से रह लेंगी वो। तो फिर ऐसा करते हैं, मेरे पास सुन, अपने दोनों लड़कों को लेके उनके घर पहुंच जाते हैं, उनका घर दामाद बना देते हैं और बेगैरत बन के इसके साथ हम भी रह लेंगे। अब मुझे कुछ वक्त देना है, मैं कुछ करता हूं। रमशा इधर आ। जी अब्बू। देख रहा है
बहन है तेरी जिसकी शादी करनी है, फिर तुम दो मनहूसों की बीवियां भी यहां लेकर आनी है हमने। वो जो 20 लाख का कर्जा हमारे सर पे चढ़ाया है ना, वो भी उतारना है, इस घर को बिकने से भी बचाना है, इन सारे तूफानी मसलों से लड़ रहा हूं मैं, फिर चीखू नहीं तो क्या करूं बता। मैं जाऊंगी अम्मा और नुदरत की तरफ, देखती हूँ कि वो हमारी क्या मदद कर सकते। शकल दिखा इसको अपनी। अब्बा क्या है? मैं आपको हामी नहीं भरनी चाहती। तो बेटा मैं क्या करती? अम्मी आप अब्बा से कहें कि अपनी परेशानियों में ना मुझे काउंट करना छोड़ दे, मैं मर नहीं जाऊंगी अगर मेरी शादी नहीं होगी तो। मेरे बच्चा ऐसे नहीं कहते। अल्लाह मेरी बच्ची को सलामत रखे। बेटा जिस दिन से तुमने ऑफिस जाना शुरू किया है ना, नाश्ता आधा अधूरा छोड़कर भाग जाती हो, तो थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, टाइम मैनेज करना सीखो मेरी जान। ठीक है अम्मी, आप आज घर पे क्या कर रही हैं? आपको ऑफिस नहीं जाना? नहीं वो इवेंट था इसलिए छुट्टी है मेरी। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दे दो, तुम्हारे और सलमान के दरमियान सब ठीक है ना? पहले भी कई दफा मैंने तुमसे पूछना चाहा लेकिन जवाब देने की बजाय तुम मौजू बदल देती हो। सुबह सुबह अम्मी क्या बातें कर रही है, मुझे देर हो रही है। शाम में पूछती हूँ तो कहती हो कि थक कर आई हूँ। आप मुझसे क्या सुनना चाह रही हैं? सलमान उस दिन के बाद से घर नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि उसने तुमसे कॉल पर भी बात की हो या हुई है। देखो बेटा मैं और तुम्हारी दादी बहुत परेशान हैं, ये अच्छा तो नहीं लगेगा ना कि तुम हमें कुछ ना बताओ और हमें सलमान से पूछना पड़े। आयरा बेटा मैं जानती हूँ सलमान बहुत मुश्किल है, लेकिन बेटा ये रिश्ता तुम्हारे अब्बू ने तय किया था और फिर सलमान और सलान तुम्हारी फूफो के बेटे हैं और तुम्हारी फूफो कितना प्यार करती हैं तुमसे, और इससे भी बढ़कर तुम्हारी बहन का रिश्ता उस घर से मंसूब है, इसलिए मेरी जान तुम अपने और सलमान की लड़ाई को तूल मत दो प्लीज। मेरी और उसकी सुलह हो गई थी, आप बेफिक्र हो जाएं, आइंदा कभी लड़ाई नहीं होगी। चलो मेरी जान आओ आराम से बैठकर नाश्ता करो। शुक्रिया। आते ये बताओ मायरा से कोई बात हुई? 2-3 मरतबा कोशिश की लेकिन गुड मॉर्निंग ये आपने सिर्फ मुझे कहा है? हाँ और ये देखो कि सुबह ही सुबह तुम्हें पकड़ने के लिए मैं नाश्ते की मेज पे आ गई। मुझे क्यों पकड़ना है आपको? तुम्हारे बाबा का फोन आया था, वो शायद 10-12 दिन और रुकेंगे वहां, लंबा हो गया है उनका टूर बाहर का। वैसे तुम बताओ कि तुम इतनी सुबह सुबह ऑफिस क्यों जा रहे हो? अच्छी बात नहीं है, बाबा नहीं है तो मैंने सोचा किसी को तो देख लें। अच्छी बात है। अच्छा सुनो इस वीकेंड पे कोई कमिटमेंट मत करना, मेरे साथ तुम्हें जाना है। कहाँ? एक बर्थडे है उस पे जाना है।
किसकी है? किसी की बता दूंगी तुम्हें, कोई बहाना नहीं चलेगा और ये समझ लो ये तुम्हारे बाबा का ऑर्डर है। आकर वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या हो गया? अम्मी और बाबा तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ लिए। मत यार, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो चुका है। मैंने उन्हें खास तौर पे कहा हुआ है कि मैं जब भी शादी करूंगा अपनी पसंद से करूंगा। What? Just tell me, तुम मायरा के लिए सीरियस हो? Are you sure? तुम्हें क्या लगता है? यकीनन मैं, I'm very sure. तो फिर देर किस बात की है? अम्मी को किसी दिन उनके घर ले जाओ, तभी उनको पता चलेगा और मायरा के घर वालों को भी तब पता चल जाएगा कि तुम मायरा के बारे में कितने सीरियस हो। आते प्लीज कुछ करो वरना पछताओगे। सोच रहा था कि अम्मी को ले जाऊं, ठीक है। और हाँ चल रही है, तुम भी तैयार है ना? We'll go together. I can't go. क्यों भाई, why can't you go? You know my divorce, otherwise. क्या बातें कर रही हो तुम? I can't go. You know me very well. Anyway, have a good day. Exactly. तुम्हें तो अच्छी तरह पता है जो मुझे नहीं पसंद आता हूँ मैं नहीं करती उनसे बात, और करके करना भी क्या है। सही है, ठीक है ठीक है, मिलते हैं। सुनो, I'll call you back. आप मेरी बातें सुन रही हैं? तुम उससे बात कर रही थी? अम्मी मैं उससे बात क्यों करूंगी? इसलिए कि तुम्हारा कुछ पता नहीं है। पहले तो तुम दीवानी हुई जा रही थी उससे शादी करने के लिए, पागल हो गई थी, और अब तलाक लेके बैठ गई हो तुम। अम्मी मेरी तलाक को 6 महीने गुजर गए, आप इस टॉपिक को चेंज नहीं कर सकती? मैं तो तुम्हारी शादी की कोशिशें कर रही हूँ। अब जाहिर है कि या तो कोई बड़ी उम्र का आदमी मिलेगा या फिर बच्चों वाला भी हो सकता है। बता तो मैं इसलिए रही हूँ ताकि तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहो। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। करनी तो तुम्हें पड़ेगी, मैं इस तरह तुम्हें सारी उम्र घर में तो नहीं बैठा सकती। अम्मी आप मुझसे ऐसे बात करती हैं और रिस्पेक्ट करती हैं कि मैं आपकी बात भी मानूं? माननी तो तुम्हें पड़ेगी, और इस मर्तबा तुम्हारी मर्जी से शादी नहीं होगी, तुम्हारे बाप की मर्जी से होगी, समझी? तो क्या है समन? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, कुछ बताओ तो सही। अम्मा, अम्मा किस भारी दिल के साथ मैं आई हूँ? मैं बता नहीं सकती, आई नहीं हूँ, धकेली गई हूँ। अरे समन रोना तो बंद करो, बताओ आखिर बात क्या हुई है? चलिए आप पानी पिए। अरे पानी पियो, सांस बहाल करो, फिर आराम से सारी बात बताओ कि हुआ क्या है तुम्हारे साथ। जीती रहो, सुमन। आप लोग अपने हैं, कोई पर्दा तो नहीं है, लेकिन जो बात मुझे अम्मा से करनी है वो आप तो उनकी मौजूदगी में नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, चलो बेटा तुम करो अम्मा से बात।
मम्मी ऐसी क्या बात है जो हमारे सामने नहीं हो सकती? तुम कुछ भी गलत मत सोचो, जो भी बात होगी ना पता चल जाएगी। बोलो, बताओ। अम्मा, यकीन जैसे आदमी से आपने मुझे ब्याह के ना अपने आप को सारी उम्र कोसा होगा। मुझे पता है इसी पछतावे की वजह से आपने निशान और मायरा को मेरी बहू बना दी। अरे बेटा, गड़े मुर्दे उखाड़ने के बजाय तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो कि अब की क्या बात है, हुआ क्या है तुम्हारे साथ? अम्मा, शकील ने कहा है कि मैं कैसे 20 लाख रुपए लेके आऊं? क्या? अम्मा, मेरा भाई तो रहा नहीं दुनिया में, अब आप ही है ना, आप ही है, बस मेरी माँ भी, मेरा मैका भी। नहीं, अब देना 20 लाख रुपए मुझे। ये बेटा, मैं कहाँ से तुके? मेरे पास कौन सा खजाना दबा रखा है यहाँ पर? क्यों? मारा और मिशाल के लिए आप लोगों ने जहेज के लिए कुछ नहीं जोड़ा। समन, शकील ने कहा है कि मारा और मिशाल को हम बहुत सादगी से बगैर जहेज के ब्याह के ले जाएंगे, इसलिए उनकी जहेज के लिए आप लोगों ने जो भी पैसे जमा करके रखे हैं वो हमें दे दें अभी। ये कैसे हो सकता है? और वो पैसा ये नहीं हो सकता तो फिर तैयार, हम अपना घर बेच के बोरिया बिस्तरा उठा के इस घर में आ रहे हैं रहने के लिए हमेशा हमेशा के लिए। ये तो हो सकता है ना? ये तो आपको कबूल है ना? इसके लिए तो आप तैयार है, मंजूर है ना हमको? बोले ना अम्मा। हाँ बोलो, क्या कहूँ मैं? कैसी हो? इतनी देर क्यों लगाई फोन उठाने में? नहीं, मैं काम करी थी इसलिए मुझे पता नहीं चला। यार, ये ऑफिस में होते हुए तुम मेरी तरफ से लापरवाह हो जाती हो। ऐसी कोई बात नहीं। हेलो, माय गॉड, आई एम सो सॉरी। आपको लगी तो नहीं? नहीं, आप ठीक तो है ना? जी, आई एम सो सॉरी, फोन बच गया। थैंक यू। हेलो, कौन था वो? किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं, ऑफिस के लिए था। कलीग से बात करने के लिए तुमने मुझे बिना कुछ कहे होल्ड पे डाल दिया? नहीं, मेरे हाथ से मेरा मोबाइल फोन गिर गया था। क्यों गिर गया था? हाथों में सुराख है क्या? सलमान, तुमने किस लिए फोन किया है? क्या मैं बिना किसी काम के तुम्हें फोन नहीं कर सकता? मुझे ऑफिस में बहुत काम है, बहुत लोड है मुझे ऑफिस में, शाम तक काम करना होगा। तो कर लेना, शाम होने में 4 घंटे बाकी हैं, 10-15 मिनट तो बात करो मुझसे। ये तुम कलीग से बात करती हो ना इस तरह, आइंदा मुझे होल्ड पे मत रखना। तुम बताओ, तुमने किस लिए फोन किया?
देखिए आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ। आलिया, ये जो नई हायरिंग की हमने, उनका रिकॉर्ड तो भेजो मुझे, ईमेल कर दो। हाँ हाँ, थैंक यू। ये तो बहुत बड़ी रकम है, हम इतने पैसों का कहां से इंतजाम करेंगे? अरे नुदरत, 10-10 तोले सोना तुमने सस्ते वक्तों में बेटियों के लिए खरीद के रखा था ना। हाँ माँ, लेकिन मैं वो सारा जेवर इन्हें देने वाली नहीं थी। तो फिर क्या करने वाली हो? हम, आपको पता तो है, हमने यही सोचा था ना कि जब इनकी रुखसती होगी उसमें से आधा जेवर बेचकर जहेज का बाकी सामान बना लेंगे। जेवर के अलावा भी तो शादी में 100 खर्चे होते हैं। अरे बेटा, अरसलान रहेगा तो मिशाल को ब्याह होगी ना। जिन लोगों से उसने कर्जा लिया हुआ है वो तो उसे जान से मारने की धमकियां दे रहे। मिशाल, तुमसे बात हुई अरसलान की? बताया तो था मगर ज्यादा डिटेल नहीं बताई। अरे इस वक्त बहुत परेशान है वो, अपने हैं हमारे और अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। अम्मा, मैं काम आने से मना नहीं कर रही, लेकिन मैं सब कुछ उन्हें दे दूंगी तो कल को मैं रुखसती कैसे करूंगी अपनी बेटियों की? शकील ने कहा है कि वो बहुत सादगी से दोनों बच्चियों को ब्याह कर ले जाएगा। बस तुम कल चलो मेरे साथ सुनार के पास और चल के हम ये जेवर बेच कर आते हैं, ठीक है? अगर आपने पैसे दिए उनको एक सोने की लौंग तक बेच के, तो मैं बता रही हूं आपको, मैं सलमान से शादी नहीं करूंगी। तुम कौन होती हो बड़ों के बीच में बात करने वाली? मैं अपनी अम्मी से बात कर रही हूं और मैं तुमसे बात कर रही हूं। तुम्हारी मां मेरी भी कुछ लगती है। तुम चुप करो और जाओ अपने कमरे। नहीं, मुझे पता है कि आप मेरी अम्मी से क्या बात करेंगे। अपने बेटे और अपने दामाद की गुलामी पे मजबूर करते हैं। ये क्या बदतमीजी है? मैं तुमसे कह रही हूँ जाओ यहाँ से मायरा। अम्मी, मैं बदतमीजी नहीं कर रही, हक और जायज बात कर रही हूँ। नुदरत, तुम लगाम दो इस लड़की की जबान को। अरे अभी तो सलमान इसकी बदजबानियां सुनकर गया है। जितना गंद इसने फैलाया था वो हम दोनों ने अपनी मुश्किल से समेटा है और अब ये फिर बदतमीजी के ऊपर उतर आई है। जब पिछली बार उनको पैसे दिए थे हमने तो उन्होंने वापस किए थे? नहीं, अब बात 20 रुपए की नहीं अम्मी, 20 लाख रुपए की है। अरे चुप रहो, एक थप्पड़ मारूंगी मैं तुम्हें। दफा हो जाओ अपने कमरे में। मैं आपसे सही बात का जवाब मांग रही हूँ और आप मुझे मारने की धमकी दे रही है। अम्मी, मैं आपसे कह रही हूँ आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। सब भाल के रखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अरे ये हमको हाथ पांव बांध के घसीटेगी गहरे पानियों में, ये भी बर्बाद होगी, हम भी बर्बाद होंगे, सुन लो। हाँ भाई जी, कह दिया अपनी अम्मा से 2-4 दिनों में बंदोबस्त करने वो। जी कह दिया था। सोच लो,
अगर उन्होंने देर की ना, तुम्हारे ही लाडले की मुसीबत में इजाफा होगा। मेरा कोई लाडला नहीं है, अरसलान, सलमान, रमशा सब मेरे लिए बराबर है। अरे मम्मी, आपने अरसलान को हमेशा मुझ पे फौकियत दी है। भाई है तुम्हारा, तमीज से बात किया करो उसके लिए। अगर उसे 10 लाख रुपए मेरे डुबोए ना होते और 20 लाख का कर्जा ना चढ़ाया होता ना, तो इसे तमीज से बात करवाता मैं। बच्चे गलतियां करते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि माँ बाप बात बात। हाँ बस अब फिर शुरू होगी तुम। अरे हर जगह शुरू मत हो जाया करो यार, चाय पीने दो मुझे। ऐसे अब्बा, क्या रम्मी की कभी बनी क्यों नहीं? अब तू शुरू हो जा भाई, कर दे किरकिरा मेरी चाय का मजा। नहीं करता पिए, जा रहा हूं मैं यहाँ से, चाय पी आराम से। मुझे तो मुझे खुश करने वाली बात ही कब कहां करते हो। आपको पता है ना, आप दुनिया की सबसे अच्छी सबसे प्यारी मां हैं। ज्यादा बनाओ नहीं मुझे ऊपरी बातें करके। मेरी बात ही कब मानते हो तुम? ये तुम्हें कितना समझाती, लेकिन तुम अपने अब्बा जैसे बनते जा रहे हो। अरे नामदार हैं यार आपके, इस तरह तो ना बोले उनके बारे में। कितना समझाती हूँ, तुम समझते क्यों नहीं हो बात को? काम काज नहीं करोगे क्या तुम? कोई नौकरी वोकरी नहीं ढूंढोगे? ऐसे ही बैठे रहोगे क्या? अरे अपना घर नहीं बसाना क्या? अगर नौकरी वोकरी नहीं करोगे तो अपना घर कैसे संभालोगे? आपको तो पता है मैं कल का नहीं सोचता, आज मैं जीता हूँ और खुशी खुशी जी। वैसे तुमने वो अच्छा नहीं किया। क्या? वही, तुमने अपने अब्बा को मशवरा दिया था कि अम्मा के यहाँ से पैसे मंगवा ले। क्या हो गया अम्मी? अपनी नानी के घर से मांगे हैं ना, अपने मामू के घर से। एक बात बताए, अगर वो आपके भाई का घर ना होता और मायरा आपकी भतीजी ना होती, तो आपको लगता है कि वैसी आम शक्ल की लड़की मेरी बीवी बन सकती थी? नहीं ना, उसे सिर्फ आपकी भतीजी होने का एडवांटेज मिला और किसी ना किसी तरह उसे पेबैक तो करना पड़ेगा। कैसे मांगू तू?